आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सीएम योगी ने किया मीडिया को संबोधित, कहा यूपी में तेजी से बढ़ रहा है विकास। भारतीय तैलिक राठौर महासभा का हुआ आयोजन, नगर विकास मंत्री पहुंचे बहराइच। बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची हुई जारी, पार्टियों ने घोषित किए उम्मीदवारों के नाम। यूपी महोत्सव का हुआ भव्य उद्घाटन, आशियाना के कथा मैदान में हुआ उद्घाटन। मकान का छज्जा गिरने से 3 बच्चे हुए घायल, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे और कश्मीरी महासभा में अधिकारियों की जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार 3 घंटे बैठक की और उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद प्रदेश का विकास तेजी से बढ़ रहा है और उन्होंने कहा कि आज मेरे द्वारा निर्माणाधीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ में तेजी से विकास कार्य होने की बात कही। समीक्षा के देश से आज मैं यहाँ पर आया हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास के एक नए मॉडल की दिशा में आगे बढ़ा है और अलीगढ़ के अंदर भी आज उस दिशा में बेहतर प्रयास हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ सीट पर विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें, लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ कई मंत्रियों के नाम शामिल हैं। हालांकि इसमें लखीमपुर खीरी के सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम नहीं है। बता दें, लगातार 5 बार इसी सीट से विधायक रहे अरविंद गिरी का हार्ट अटैक से मौत हो गया था, जिसके निधन के बाद गोला सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि भाजपा ने अरविंद गिरी के इकलौते बेटे अमन गिरी को गोला विधानसभा से भाजपा का प्रत्याशी बनाया है। उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ सीट पर विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ कई मंत्रियों के नाम शामिल हैं। हालांकि इसमें लखीमपुर खीरी के सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम नहीं है। पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरज हमसे जुड़ेंगे। धीरज, गोला गोकर्णनाथ सीट पर विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, क्या कुछ जानकारी? जी मयूरी, देखिए बिल्कुल बता दूं आपको, लखीमपुर खीरी की गोला विधानसभा में दिवंगत विधायक के बाद में उपचुनाव की जो घोषणा की चुनाव आयोग ने, उसके बाद में 3 तारीख को मतदान, जिसको लेकर बीजेपी ने जो अपनी स्टार प्रचारकों की सूची जारी की उसमें 40 नाम दिए गए हैं, जिसमें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं और कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के नाम दिए गए हैं। जिला अध्यक्ष सुनील सिंह जी भी हैं और
धौरहरा सांसद रेखा वर्मा का भी नाम दिया गया है। उसके बाद में कई ऐसे स्टार प्रचारक उतारे हैं, एक बड़ी सूची जारी की गई, तो कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी की जो एक बड़ा कदम उठाया गया, 40 एक विधानसभा के लिए 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की गई, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा कदम है भाजपा पार्टी की तरफ से। जी धन्यवाद धीरज तमाम जानकारियों के लिए। बहराइच में भारतीय तैलिक राठौर महासभा भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। राकेश राठौर नगर विकास मंत्री ने आज दूसरी बार मटेरा की पावन धरती पर आकर मटेरा के साथ बिरादरी से भेंट किया और मटेरा के विकास के बारे में बात की। और इस दौरान राकेश राठौर ने बताया कि रोड हमेशा भाजपा पे, लेकिन कभी भी उस रोड पे ध्यान नहीं दिया। और उस रोड पे पूरे भाजपा के नेता रहते हैं, भाजपा मंडल अध्यक्ष, भाजपा के जो बलहा विधायक प्रतिनिधि, वहाँ से हमारे और अन्य लोग, जितने भी बड़े बुजुर्ग नेता हैं, सब उसी रोड पे हैं। लेकिन उस रोड का दुर्भाग्य है कि मटेरा का दुर्भाग्य है, 90 से उस रोड बन नहीं पाई है। क्या कारण रहा है? सावित्री से हम खूब लगे रहे, बन जाए। वर्तमान सांसद जी से लगे रहे, बन जाए। यहाँ से जो जिला अध्यक्ष, जो जिला पंचायत अध्यक्ष से जीते माननीय रणजीत सिंह से, उनसे एक साथ से लगे रहे, बन जाए। लेकिन कुछ दुर्भाग्य है उस रोड का। खबर लखनऊ से है, जहां पहली बार मीडिया ओलंपिक का भव्य शुभारंभ केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किया गया। और पहले दिन हुए मुकाबलों में टेबल टेनिस का खिताब शरद दीप अग्रवाल ने जीता। वहीं बालिका अंडर 16 में संजीवनी ने खिताब अपने नाम किया। बता दें कि पहले दिन कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और फुटबॉल शूट आउट का मुकाबला हुआ, जिसमें कई बच्चों ने भाग लिया। बता दें प्रतियोगिता का उद्घाटन अपर मुख्य सचिव खेल डॉक्टर नवनीत सहगल और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने किया। सृजन फाउंडेशन की ओर से 7वें उत्तर प्रदेश महोत्सव आशियाना के कथा मैदान में उद्घाटन हुआ। इस दौरान धनतेरस, दीपावली से लेकर छठ पर्व तक के त्योहारी मौसम के उल्लास को बढ़ाते हुए महोत्सव में बच्चों की प्रभावी प्रस्तुतियां हुई और महोत्सव में आए सभी लोगों ने मेले का भी आनंद लिया। वहीं भाजपा कोषाध्यक्ष हेमंत दयाल तथा स्थानीय पार्षद कमलेश सिंह ने इस सांस्कृतिक अनुष्ठान की प्रशंसा की। खबर गाजियाबाद से है, जहां एक ही नंबर के दो गाड़ियों के घूमने वाले दो यात्रियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें एक ही नंबर की प्लेट लगाकर सड़कों पर गाड़ी चलाई जा रही थी। वहीं पुलिस चेकिंग के दौरान दोनों गाड़ियों पर नजर पड़ने पर पुलिस ने एक गाड़ी मालिक को गिरफ्तार किया। देश की राजधानी दिल्ली से सटे लोनी इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मकान मालिक ने जबरन घर में घुसकर 30 साल की महिला के साथ 6 महीने तक दुष्कर्म किया। इसके अलावा आरोपी ने उसके मासूम बच्चों और पति को जान से मारने की धमकी देते हुए महिला को बुरी तरह डराया और कहा कि अगर ये बात किसी को बताई तो उसका अंजाम घातक होगा। बताएं। मतलब घर में कमरे में आया, मेरे बच्चे थे, मेरे हस्बैंड गाड़ी से गए थे, तो आया उन्होंने मेरे से जबरदस्ती करी कि कहने लगा तेरे आदमी को मार दूंगा, तेरे बच्चों को मार दूंगा, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करी। तो कब से हो रहा है ये? 6 महीने से लगातार हो रहा है। 6 महीने से तीसरे दिन आता रहता है और ये मानता नहीं बिल्कुल भी, जबरदस्ती करता है ये हर बार। तो आरोपी कहाँ है अभी? अभी अपने गाँव में है, यहाँ आया था खन्ना नगर में, तो इन्हें ताल लगा दिया। खबर यूपी के हमीरपुर जिले से है, जहां युवक की ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मौत हो गई और युवक की दर्दनाक मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ट्रैक्टर में जा रहे थे सब लोग तिली काटने, तो वो तेजी से चला दिया, हम लोग मना कर रहे थे तेजी से मत चलाओ, उसने नहीं माना, तेजी चला दिया, भैया गिर गए, तुरंत बस हो गया काम। किसका ट्रैक्टर था? बच्चा नेता बबलू। अच्छा, कौन से गांव है ये? भरसवां। अच्छा, भरसवां। अतली में कहाँ जा रहे थे भैया आपके? बंडे गांव।
कासिमपुर थाना क्षेत्र में बाइक चालक ने ऑटो चालक को जमकर पीटा, जिसके बाद आसपास के लोगों ने किसी तरह से ऑटो चालक को बचाया। बता दें कि इस पूरे मामले का वीडियो वायरल होने के बाद जिले में तमाम तरह की चर्चा हो रही है और लोगों का यह भी कहना है कि कासिमपुर थाने में से चंद कदम की दूरी पर जब इस तरह की गुंडई आम है तो इलाके का क्या ही माहौल होगा। खबर हरदोई के कछौना इलाके से है, जहां अचानक मकान का छज्जा गिरने से तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में एक ही परिवार के तीन बच्चे घायल होने से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं आनन फानन में घटनावस्था में तीनों बच्चों को कछौना सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सक ने बच्चों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। दो बच्चे नीचे खेल रहे थे तो इनका ऊपर से छज्जा गिर गया, इनके पैरों में चोट लगी है, इनको अपने यहाँ कुछ इलाज देकर अपने यहाँ भर्ती कर लिया। गांव हमारा कुशाहा पड़ता है सर जी, कुशाहा गांव है। और सर जी हम घर पे थे नहीं और पता नहीं सर जी कैसे लौटा है छज्जा। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।